हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे व्यू डॉट जेएस में हम स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ क्या है। तो रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पहले देखेंगे। तो रेस्ट ऑपरेटर जो है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करके एक सिंगल एरे फॉर्म करके हमें वैल्यू पास करने में मदद करता है। और दूसरी बात होती है स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर हमें कोई वैल्यू एक एरे या फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके दूसरे एरे और ऑब्जेक्ट में डालना हो तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर, उसका नाम ही बताता है कि उसको सिंगल फॉर्म से मल्टीपल फॉर्म में बाइफरकेट करना, या फिर दूसरे शब्दों में आपको और सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए तो अगर एक वर्ड है तो वर्ड को लेटर्स में फॉर्म करना, ये भी उसका दूसरा तरीका होता है। और कॉपी करना, जो मैंने आपको बताया कि एरे या फिर ऑब्जेक्ट का एक वैल्यू जो रहता है एक फुल एरे का, वो दूसरे एरे में कंबाइन करने के लिए भी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, और ये मैं वेरिएबल बाय वेरिएबल में आपको बताऊंगा। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है डॉट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर कैसे होता है, ट्रिपल डॉट, मतलब तीन डॉट्स होते हैं। तो सिंटैक्स आपको रेस्ट और स्प्रेड का सेम रहेगा ऐसे लगेगा, पर वो अलग है। तो कैसे अलग होगा, रेस्ट ऑपरेटर में हम डायरेक्टली एज अ पैरामीटर के जोन में उसे पास करते हैं, और जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसको हम इनिशियलाइजर या फिर वेरिएबल का जब हम वैल्यू पास करते हैं तब उसका यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पूरा सेटअप स्ट्रक्चर्स का करके रखा है, तो ये कॉमन है, पहले के वीडियोस में आपने देखे होंगे। तो अभी यहाँ पे मेथड्स हम पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम आएंगे यूआई में। तो मेथड्स में नाम जो दूंगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन फंक फॉर ऑपरेटर्स। तो अभी सबसे पहले आपको जो बताने जा रहा हूँ वो होगा रेस्ट। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन करके कुछ उसका कीवर्ड पहले लिखा नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया व्यू डॉट जे एस का यूज़ कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन फंक फॉर ऑपरेटर्स। तो इसके अंदर जब हम लिखेंगे तब तीन डॉट्स जो मैंने आपको बताए थे तो वो ये हैं। तीन डॉट्स का कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद एन एस टी आर वैल्यूज़ करके एक आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर पास करेंगे। तो इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली एक एरे में इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो वेर एर, तो अभी ये जो है ये रेस्ट ऑपरेटर है, पर मुझे इसका यूज़ करना होगा स्प्रेड ऑपरेटर में। तो यहाँ पे मैं डिटरमाइन करने के लिए आई एन एस टी आर रेस्ट वैल्यूज़ ऐसे लिखूँगा। तो ये है रेस्ट और यहाँ पे होगा स्प्रेड। तो स्प्रेड वन लिखता हूँ क्योंकि आपको एक एग्जांपल बताना है। तो ये जो है ये थ्री डॉट्स को हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली स्प्रेड ऑपरेटर में यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर का वेरिएबल जो मैंने बनाया है उसको मैंने अभी तक ऑपरेटर ट्रिपल डॉट्स दिए नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये जो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके जो मुझे मिल रहा है वो मुझे यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर के वेरिएबल में स्टोर करने हैं। एक बार ये स्टोर हो गए उसके बाद मैं एडिशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है, कॉपी करना एरे या फिर ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को दूसरे एरे या फिर ऑब्जेक्ट्स में डालना। तो अभी मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ जो मैं पैरामीटर से पास ना होते हुए डायरेक्टली एक स्टैटिक वैल्यू दूंगा यहाँ पे। तो वो होगा टेस्ट वन कॉमा टेस्ट टू। तो ये मेरा स्प्रेड ऑप
ऑपरेटर का जो वेरिएबल है वो सेकंड सेट हुआ है और उसके वैल्यूज है टेस्ट वन और टेस्ट टू। अब इसके अंदर जो भी मैं यूज़ करूँगा वो होगा वेर एरे रिजल्ट, और उस एरे में जो वैल्यूज़ होंगे वो होंगे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके फर्स्ट वेरिएबल कॉमा स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके सेकंड वेरिएबल। अब ये मेरे वैल्यूज़ आ गए हैं तो इसे मैं यहाँ पे लिखूँगा स्प्रेड। तो इस चीज़ में अभी आप यहाँ पे देखोगे, जब आउटपुट हम देखेंगे तब ये एरे रिजल्ट का जो वैल्यू है वो आएगा सिर्फ ये फर्स्ट एरे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है। अगर हम इस तरीके का रेस्ट ऑपरेटर, तो अभी आप बोलोगे कि ये तो दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो इनिशियलाइज होने के बाद यूज़ होता है यहाँ पे, और रेस्ट ऑपरेटर जो है वो पैरामीटर में भी यूज़ होता है और जहाँ पे हमें तो डिफाइन करना है। जैसे अभी यहाँ पे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर इसे कहा जाता है और पैरामीटर में इसे कहा जाता है। तो स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा रेस्ट, जिससे आपको पता चले अब ये है वैल्यू हमें मिल गई है तो उसे मुझे रिटर्न करना है। तो रिटर्न एरिया ऑफ रिजल्ट, तो ये सिंगल एरे फॉर्म होके जिसमें ये दोनों वैल्यूज़, तो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, ये तो जो पैरामीटर है वो यूआई से आएगा जो ऊपर हमें डिफाइन करना है, और यहाँ पे जो है स्टैटिकली डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। अभी हम आएंगे यूआई में, तो सबसे पहले ये मेथड वहाँ पे कॉल होगा। तो कैसे कॉल होगा, कुछ इस तरह से। तो str data, इसका सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जो यहाँ पे दूंगा फॉर लूप में, वो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया सबसे पहले। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे str data in मेथड का नाम। तो ये सिंटैक्स आपने देखा होगा दोस्तों आगे पहले के वीडियोस में। तो आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है रेस्ट ऑपरेटर्स के पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। तो वो होगा कुछ इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट ऑपरेटर में जब हम यूज़ करेंगे तब नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, जो सेवरल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा, तो मल्टीपल जो आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स रहेंगे वो रेस्ट ऑपरेटर्स में जाके एक सिंगल एरे में फॉर्म होके हमें वैल्यूज़ देंगे। तो ये जो एरे स्प्रेड वन है उसके अंदर जो है वो सिंगल एरे होगा, और ये मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये है रेस्ट, तो रेस्ट का कुछ इस तरह से यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे देंगे 1, 2, 3। तो दोस्तों इतना ही है, और इससे आपको पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों आउटपुट आपके सामने है 1, 2, 3, टेस्ट वन टेस्ट टू। अभी आप बोलोगे कि ये तो फर्स्ट एरे सेकंड एरे थर्ड एरे फोर्थ और फिफ्थ हुआ, तो ऐसे नहीं है दोस्तों। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी डालूँगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो है स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, और स्ट्रिंग वैल्यू जो है एक सिंगल एरे में फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये जो 1, 2, 3 थे ये रेस्ट ऑपरेटर से आए थे, और उसके बाद ये स्टैटिकली टेस्ट वन टेस्ट टू ये जो दो वैल्यूज है वो पास हुए थे। तो स्प्रेड ऑपरेटर ऑपरेटर का यूज़ किया, उसके बाद ये जो फर्स्ट एरे की वैल्यू और सेकंड एरे की वैल्यू है वो कंबाइन होके, यानी कि कॉपी होके न्यू एरे में सिंगल ब्लॉक में फॉर्म हो गई है। तो दोस्तों इतना सिंपल होता है। और इसके बाद और एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ।
तो वो होगा कंसोल डॉट लॉग में। तो कंसोल डॉट लॉग में एरे को इटरेट कैसे करते हैं, तो ये एरे हुआ, एरे को मैप करते हैं। मैप करने के बाद उसके कीज़ और वैल्यूज जो रहते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, कंसोल डॉट लॉग हमें अंदर चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने अभी देखा कि कंसोल डॉट लॉग मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे नहीं, राइट हैंड साइड पे है। तो मैं फास्ट लिख रहा था तो इसके लिए मैं फ्लो में था। और इसके बाद यहाँ पे होगा आइटम और की। तो मुझे की वैल्यू पेयर्स चाहिए। तो अभी जो ये आर्ग्यूमेंट है जो पास किया हुआ या फिर पैरामीटर, तो यहाँ पे मैं उसका जो है ऑर्डर लिख रहा था, पर अभी मैं लिखूँगा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो कुछ इस तरह से अभी हम देखेंगे आउटपुट दोस्तों, कंसोल डॉट लॉग। आप देख सकते हो दोस्तों, 0 में 1 है, 1 में 2 है, 2 में 3 है, 3 में टेस्ट 1 है और 4 में टेस्ट 2 है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये सिंगल एरे है, और इसके इंडेक्सेस आप देख सकते हो और उसके वैल्यूज़ भी आप देख सकते हो। तो इतना सिंपल है दोस्तों। और अगर आपको इस चीज़ का तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो मेरे एक ट्राई कर रहा था कि आपको और थोड़ा डिटेल में दिखाऊं, पर कोई बात नहीं। तो ये जो है ये वैल्यू ये आपको तुरंत आउटपुट दिखा देंगी। और अगर आपको इस चीज़ का भी आउटपुट चाहिए हो, तो मैं अभी क्या करूँगा, एक और एक एरे बनाऊँगा और यहाँ पे दूंगा एग्जाम्पल, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अभी मैं लिखने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर एक एरे का ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर। तो अभी इसका आउटपुट क्या होगा, सेम। और अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दूं तो उसका आउटपुट एग्जाम्पल। तो दोस्तों इतना वीडियो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है और रेस्ट ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो एक बार फिर से ये कमेंट्स को रेफ़र कीजिए, क्योंकि ये कमेंट्स बहुत आपके काम में आएंगे। तो यहाँ पे आपने इतना देखा। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि ट्रिपल डॉट्स अगर मैंने निकाल दिए यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह का एरर मिलेगा अगर आपने मैप यूज़ किया होगा। तो अगर आपने नहीं यूज़ किया है तो आपको सिर्फ 1 वैल्यू मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 वैल्यू मिली मतलब रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ नहीं हो रहा है। और अगर हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमें मल्टीपल वैल्यूज़ एज एन सिंगल एरे मिल सकती है। तो ये आपने देखा दोस्तों कि कैसे होता है, और यही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैंने ये चीज़ लिखी तो इसका आउटपुट भी आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड को लेटर्स में स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके कैसे बाइफरकेट किया जाता है, तो कुछ इस तरह से होता है। तो ये थी कुछ डिटेल वाली चीज़ें जो बहुत काम में आती है दोस्तों।
और ये यूआई का पार्ट था। तो आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट रहा होगा आपके लिए कि आपको जो अभी आपको पता चल रहा है कि स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया जाता है, तो उससे आप बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डेटास और वैल्यूज़ के लिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है दोस्तों। अगर हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया तो हमें वन वैल्यू मिलती है, और अगर हमने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमने देखा कि एक सिंगल एरे में मल्टीपल वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके भी हमें जो वैल्यूज़ कॉपी करनी हो, या फिर एक वर्ड में अगर हमें लेटर्स चाहिए हो तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। तो इतना सिंपल है दोस्तों और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ES6 में ये यूज़ होता है। तो ES6 का यूज़ करके ये हमें मिलता है। तो स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर जो है ES6 में आते हैं। तो ये 6 वर्जन है ECMA का, वो जो स्टैंडर्ड वर्जन है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो Vue.js भी एक स्क्रिप्ट ही है दोस्तों, पर इसमें कैसे है कि हमें UI से डील करना पड़ता है, और जिसके अंदर हम UI से डील करते समय हम डेटा का मैनिपुलेशन जो है वो कर सकते हैं Vue.js का यूज़ करके, जो है लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क बोल सकते हो। तो फ्रेमवर्क जो है Vue.js, ये एक हुआ, वैसे ही React.js भी है, एंगुलर भी है, तो और रिएक्ट नेटिव भी है, और सिर्फ एंगुलर है। तो दोस्तों हमने अभी जो देखा वो VS कोड का यूज़ उसमें किया नहीं है। तो VS कोड का यूज़ करके रिएक्ट नेटिव और एंगुलर ये दोनों चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट होता है, तो एनवायरनमेंट वो सेट करने के बाद ही हमें अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रहते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, और बाद में जो स्टाइल्स है स्टाइल्स भी उसमें आ जाते हैं इसी तरह, और HTML तो होता ही है UI के लिए। तो VS कोड का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं अगर हम रिएक्ट नेटिव या फिर एंगुलर यूज़ कर रहे हो तो। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम और कुछ नया देखेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, हरिओम।